हेलो चिल्ड्रन, वी वर रीडिंग द चैप्टर द एशेज दैट मेड ट्री ब्लू। ठीक है, तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे द एशेज दैट ट्री दैट मेड ट्री ब्लूम्स। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, वन पार्ट हमने इसका पढ़ लिया था। नाउ टुडे वी विल स्टडी द सेकेंड पार्ट। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree। अब आपको मतलब इससे पहले हमें चैप्टर में पढ़ाया था कि किस तरीके से जो उनकी मिल होती है उसको वो क्या कर देते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं और उसे मतलब आग में डाल देते हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेस करते हैं उससे बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं बनती हैं जो जो अच्छे कपल थे वो बनाते थे। तो जो डॉग होता है उसकी स्पिरिट जो होती है, उसकी आत्मा जो होती है, फिर से जो गुड मैन होते हैं, गुड ओल्ड मैन होता है जो, उसके सपने में आती है। ठीक है, और उसकी जो स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, वो उसे बात करती है, कहती है कि किस तरीके से जो विकेट पीपल हैं उन्होंने क्या करा है, उनकी जो मिल है उसको जला दिया है, जो उन्होंने किससे बनाई थी, पाइन ट्री से। अब वो क्या कहता है, टेक द एशेज ऑफ द मिल स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन सेड द डॉग स्पिरिट। अब डॉग की जो स्प्रिट होती है वो क्या बोलती है, जो गुड ओल्ड कपल होते हैं उनको, कि तुम्हें काम करना कि इसकी जो क्या है एशेज है, उसकी जो राख है उसको लेके जाना और स्प्रिंकल कर देना, यानी कि छड़क देना, किस पर, विदर ट्री, विदर मतलब बेयर एंड ड्राई, यानी कि जो सूखे पेड़ हैं उन पर छिड़क देना, एंड दे विल ब्लूम अगेन, तो वो क्या हो जाएंगे, फिर से खिल जाएंगे, सेड द डॉग स्प्रिट। ऐसा कौन बोलता है, जो डॉग की आत्मा होती है वो बोलती है, किसको, ओल्ड मैन को। द ओल्ड मैन वोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एड्स ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। ठीक है, अब क्या होता है, जो ओल्ड मैन होता है वो एकदम से उठता है और तुरंत वो कहाँ जाता है, अपने नेबर, जो गंदे वाले नेबर होते हैं उनके घर जाता है। वहाँ उसे क्या मिलता है कि जो उसकी मिल है वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है। मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एड्स ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जो फायर प्लेस होता है जहाँ पर आग जलाई जाती है वहाँ पर उसे रखा गया है, और बीचों बीच में क्या है, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और स्पिनिंग कर रहे हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म देयर हैंड एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ अ ब्रोकन पीसेस। अब वो देख लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हमारी जो मिल है उसको तोड़ के रखा है और उसको क्या किया है, उस पर मतलब उन्होंने आग जला दी है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को और पाँव को उस आग से सेक रहे हैं। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्स फॉर द एशेज। अब जो गुड ओल्ड मैन होता है वो कहता है, बिल्कुल विनम्रता से कहता है कि तुम एक काम कर दो, मुझे इस जो मेरी मिल है जो आपने जला दी है उसकी राख मुझे दे दो। दो द कवेटियस कपल टर्न अप देयर नोजेज एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज। उसके बाद जो बहुत ही निर्दयी कपल होते हैं, बेकार कपल होते हैं, बहुत गंदे कपल होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब इस तरीके से उसे डांटते हैं कि जैसे कि उसने क्या करी हो, कोई चोरी करी हो, ठीक है, जैसे कि वो कोई चोर हो। फिर लेकिन वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये राख ले जाना चाहता है तो अपने आप ले जाता है, वो उसको उसकी बास्केट में राख भरने देते हैं। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन took his वाइफ इन टू द गार्डन। जब वो घर को आते हैं तो ओल्ड मैन क्या करता है, अपनी वाइफ को गार्डन में लेके जाता है, जो अच्छा कपल होता है। इट बींग विंटर, आजकल क्या था, जाड़ों का दिन था, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। लेकिन उनका जो फेवरेट चेरी का ट्री था वो बिल्कुल बेयर था, यानी कि उसमें एक भी पत्ती नहीं थी, पूरा सूख गया था। He sprinkled a pinch of ashes on it and lo, it sprouted bloom until it became a cloud of a pink blooms which perfumed the air. और अचानक से क्या होता है, जैसे वो स्प्रिंकल करता है उसके ऊपर जो राख होता है उसको लेके आता है, थोड़ी सी एक पिंच राख डालता है चुटकी भर, तो अचानक से क्या होता है, सारा का सारा जो पेड़ होता है वो खिल उठता है, उसमें पिंक कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो आ जाते हैं और पूरी एरिया में खुशबू आ जाती है। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर। ये जो न्यूज़ होती है ये सबके कानों तक पहुंच जाती है, जो विलेज में जितने भी लोग होते हैं, और सबके कानों पर जब ये बात पहुंचती है तो सब वंडर देखने के लिए, यानी कि आश्चर्य देखने के लिए आते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। द कवेटियस कपल ऑल्सो हियर द न्यूज़ एंड द गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल
कैब रैम टू मेक वेदर ट्री ब्लूम। अब जो कवेटियस कपल होते हैं उनके पास और आँख बची होती है किसकी, वो जो मिल होती है उसकी, वो क्या करते हैं चुपचाप उसको रख लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी ट्री को ब्लूम करेंगे, यानी कि ब्लूसम करेंगे, नया मतलब पत्ते खिलवा देंगे, उसमें फूल भी आ जाएंगे सोचते हैं। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डाइमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ द एशेस। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. अब क्या होता है, जो ओल्ड कपल होता है ठीक है, वो क्या करता है, जो मैन होता है उसे पता है कि आज डाइमियो का दिन है, यानी कि डाइमियो क्या होते हैं, उनके राजा होते हैं, जो क्या करते हैं मतलब वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनको पता है कि उनके जो लॉर्ड हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं और मतलब हाई रोड से वो गुजरेंगे, वहाँ की जो रोड है वहाँ से वो गुजरेंगे। तो वो क्या करता है, सेट आउट करता है यानी कि देखने के लिए कि वो मतलब जो बास्केट होती है उसकी, उस एसेस का क्या करता है, यूज़ करता है। एज अ ट्रेन अप्रोच, जैसे कि जो डाइमियो उसकी ट्रेन आती है वो एकदम से कहाँ चढ़ जाता है, चेरी के ट्री पर चढ़ जाता है। दैट इज स्टूड बाय अ वे साइड, और वे साइड पर होता है जो ट्री। नाउ इन द डेज ऑफ डाइमियोज, जब डाइमियोज आता है, इट वॉज द कस्टम, ये कस्टम है, ये रिवाज है वहाँ का। When their lord passes by, for all the loyal people to set up their high windows, और वहाँ पे क्या होता है, जो भी loyal couples, peoples होते हैं, उन लोगों को जो उनकी बड़ी बड़ी windows होती हैं उनको बंद करना होता है, क्योंकि वहाँ का एक रिवाज होता है। They even pasted them fast with a slip of paper, और यहाँ तक कि वो क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, क्या मतलब एक slip of paper देते हैं, as that not to commit the interference of looking down on his lordship, क्योंकि बिल्कुल भी किसी को ऊपर नहीं देखना होता है जब उनका लॉर्ड वहाँ से गुजर रहा होता है। All the people along the road would fall upon their hand and knees and remain prostrate until the procession passed by, जब तक क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो सबके सब मतलब नीचे खड़े हो जाते हैं ठीक है, मतलब ग्राउंड पर ले मतलब बैठ जाते हैं घुटने के बल, तब तक जब तक कि जो प्रोसेसन है, जो जुलूस है वो निकल ना जाए। द ट्रेन ड्रू नियर, अब जो ट्रेन होती है वो पास आती है। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, तो आगे से एक कॉम्पिटेंट मैन होता है, एक बड़ा सा आदमी होता है, वो देख रहा होता है, उसकी ड्यूटी होती है क्या करने की, चेक करने की कि सारे के सारे लोग बैठे हैं कि नहीं घुटने के बल। Crying out to the people by the way, वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलता है, get down on your knees, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, get down on your knees, बार बार बोलता है कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। And everyone knelt down while the procession was passing, जब जुलूस निकल रहा होता तो हर कोई घुटनों के बल बैठ जाता है। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree, तभी जो लीडर होता है वो एकदम से देख लेता है कि एक एज्ड मैन कहाँ बैठा है, पेड़ पे बैठा है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंगर टोन, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, ही प्रिटेंड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास हिम बाय। अब क्या होता है कि वो सोचता है कि पहले उस मैन को डांटा जाए, क्योंकि सबके सब लोग ये कस्टम होता है कि घुटने के बल बैठते हैं जब भी उनका राजा वहाँ से गुजरता है, लेकिन उसने देखा कि वो बहुत ओल्ड आदमी है तो उसने उसको नहीं डांटा ठीक है, और ऐसा मतलब उसने नोटिस किया, नोटिस तो कर लिया था लेकिन वो ऐसा जता रहा था कि उसने नोटिस नहीं किया, वहाँ से वो चला जाता है। सो व्हेन द डाइमियोस प्लैंक्यूइन ड्रू नियर, प्लैंक्यूइन मतलब होता है, पैलेंक्लुइन मतलब होता है रॉयल वैन कार्ड, यानी कि जो पालकी होती है, जो राजा की पालकी होती है, जब वो गुजर रही होती है वहाँ से, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस, फिर से जो ओल्ड मैन होता है वो एक चुटकी भर ऐश लेता है अपनी बास्केट से, स्कैटर्ड ओवर द ट्री, और ट्री के ऊपर पूरा का पूरा उसको फैला देता है। इन अ मोमेंट इट ब्रस्ट इन टू ब्लूज़म, और उसी समय क्या होता है, वो एकदम से क्या हो जाता है, खिल जाता है पेड़। द डिलाइटेड डाइमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड नॉट एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, तो जो डिलाइटेड डाइमियो होता है वो ऑर्डर देता है कि ट्रेन को स्टॉप कर दिया जाए, और मतलब क्या करना, मतलब वो भी वंडर देखना चाहता है कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे। जो राजा होता है वो अपनी ट्रेन रोक देता है और कहता है कि मुझे वंडर देखना है। कॉलिंग द मै ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट टू सिल्क रोप्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड टू बी
गिवन नेम। अब क्या होता है जब वो देखता है कि राजा के एक स्प्रिंकल करने से, मतलब जो ओल्ड कपल है, ओल्ड मैन है, उसके एक स्प्रिंकल करने से सारा का सारा ट्री ब्लूजम हो गया, तो वो बड़े खुश होता है, उसको थैंक करता है और उसको क्या देता है प्रेजेंट में, एक जो रेशम की जो चादर वगैरह होती है वो देता है, स्पॉन्ज केक मतलब केक देता है खाने के लिए, और फैन देता है, और भी बहुत सारे रिवार्ड उसको देता है। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल और कहता है कि आप मेरे दरबार में आएंगे। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। इसलिए जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत खुशी से कहाँ जाता है, घर जाता है, अपनी वाइफ को सारी चीज़ें बताता है। बट वेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। और जैसे ही जो कोडियस कपल होते हैं, जो गंदे ग्रीडी कपल थे, उनको अचानक से पता चल जाता है कि वो फिर से कहीं ना कहीं उसकी क्या हो गई है, बहुत मतलब उसे राजा ने इनाम दिया है बहुत सारा, तो कहते हैं कि उन्हें पता होता है कि जो एशेज है हम ही ने जलाई थी, और उस मतलब जो मिल है वो हम ही ने जलाई थी, और एशेज हमारे पास है, इसलिए वो क्या करते हैं उस एशेज को थोड़ा सा भर के हाईवे पर ले जाता है। देयर ही वेटेड अंटिल द डायमियोस ट्रेन कम अलॉन्ग। फिर से वो वेट करता है जब तक ट्रेन वापस ना आ जाए। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लेम्ड इन द विदर्ड चेरी ट्री। एक चेरी का ट्री होता है वो भी सूखा होता है, वो घुटने के बल बैठने के बजाय उस पेड़ पे चढ़ जाता है। व्हेन द डायमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जैसे ही डायमियो उसके नीचे होता है ठीक, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री। वो एकदम से क्या करता है, ट्री के ऊपर हैंडफुल एशेज डाल देता है, जो राख होती है वो डाल देता है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, लेकिन उसका एक भी पार्टिकल, एक भी कण उसका किसी भी चीज़ में चेंज नहीं होता है। जब जो गुड ओल्ड मैन था उसने क्या किया था, जब एक मतलब थोड़ा सा चुटकी भर क्या किया था उसने, स्प्रिंकल किया था, तो सारे के सारे ट्री ब्लूजम हो गया था। लेकिन यहाँ पर इस ये बहुत गंदा था, इसलिए इसके करने से कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। द विंड ब्लो, अचानक से हवा चलती है। द फाइन डस्ट इन टू द नोजेज एंड द आईज ऑफ द डायमियोस एंड हिज वाइफ। और डायमियोस और उसकी वाइफ की नाक में क्या होता है, वो सारे पार्टिकल चले जाते हैं डस्ट के, और वो क्या करते हैं सच स्नीचिंग एंड चोकिंग, उनका गला भर आता है और वो दोनों के दोनों छींकने लगते हैं। इट स्पॉइल ऑल द पॉम्प एंड द डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब जुलूस, जो पॉम्प और डिग्निटी होता है, यानी कि मतलब जो खुशी होती है उन सब की, जितना भी उल्लास वो कर रहे होते हैं और जो भी उनका सम्मान होता है वो स्पॉइल हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। द मैन हूज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, और वो कहता है कि जो मैन होता है वो बोलता है कि ये किसने काम किया है, जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाओ। साइज द ओल्ड मैन फुल बाय द कॉलर, और जो सीज यानी कि जो पकड़ लिया जाता है किसको, ओल्ड फूल को, और उसको कॉलर से घसीटा जाता है ठीक है, और उसको ट्री के सामने लाया जाता है। एंड डबल्ड हिम एज द एश बास्केट इन टू द डिच बाय द रोड, और उसको क्या किया जाता है, उसकी बास्केट को रोड में फेंक दिया जाता है। एंड हिज एश बास्केट इन टू द डिच बाय द रोड, देन बीटिंग हिम साउंडली, उसको बहुत बुरी तरह मारा जाता है। ही लेफ्ट हिम फॉर दैट, और उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड। इस तरीके से जो विग्ड ओल्ड मैन होता है वो मिट्टी में मर जाता है। बट द काइंड फ्राइड ऑफ द ओल्ड ऑफ द डॉग dwelt इन अ पीस एंड अ plenty, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ lived टू अ ग्रीन ओल्ड एज। और इस तरीके से जो फ्रेंड मतलब जो अच्छे काइंड फ्रेंड होते हैं डॉग के, वो बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं ठीक है उस दुनिया में, और बहुत अच्छे दिनों को प्राप्त करते हैं उसकी वाइफ और जो ओल्ड मैन होता है वो। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, थैंक यू।